हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको फाइल हैंडलिंग इन C++ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से इस वीडियो में मैं आपको राइट कैसे करते हैं वो पढ़ाने वाली हूँ। प्रिमिटिव ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें मैंने ओपन कैसे करते हैं, फाइल क्लोज कैसे करते हैं, उसके साथ साथ रीडिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। अभी मैं इस वीडियो सेशन में राइट कैसे करते हैं ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कंटेंट को जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रिमिटिव ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आपको फाइल हैंडलिंग करना है तो आपको मेनली फाइल क्रिएट और ओपन करनी होगी, उसके बाद उसका यूज करना होगा, जिसमें हम फाइल रीडिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं या राइटिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। और सारे हमारी काम होने के बाद, उसका यूज होने के बाद हम फाइल क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, ये मैंने जिस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है उसका शॉर्टकट लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके बाद ये होने के बाद आपको फाइल का यूज भी करना है। तो यूज के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रीडिंग कैसे करना है। तो रीडिंग का भी यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिंक आपको दे रही हूँ, और इस वीडियो सेशन में मैं फोकस करने वाली हूँ राइटिंग ऑपरेशन पे। तो चलो देखते हैं कि राइट कैसे करते हैं। उससे पहले मुझे आपको ये एक चीज बतानी होगी, ये सारे ऑपरेशन करते टाइम जब भी आपको फाइल हैंडलिंग यूज करना है तो उसके लिए आपको एफ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है और कंपलसरी है। एफ स्ट्रीम हेडर फाइल अगर आपके सोर्स कोड में आप लिखोगे, इंक्लूड करोगे, तो ही आप ये सारी चीजें कर पाओगे। उसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, जो है फाइल पॉइंटर, क्योंकि अगेन विदाउट हेल्प ऑफ फाइल पॉइंटर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फाइल पॉइंटर इतना इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, तो चलो देखते हैं कि फाइल पॉइंटर हमें कहाँ यूज होता है। जब भी कोई हमें कुछ भी फंक्शनिंग करनी है, ऑपरेशन करनी है, जो कि है रीड और राइट, उसके लिए हमें फाइल ओपन करनी पड़ती है। फाइल ओपन करते टाइम हम जो फाइल पॉइंटर यूज करते हैं वही हमेशा हमें मदद करता है, क्योंकि उस फाइल पॉइंटर में एड्रेस होता है, जिस करंट पोजीशन, कर्सर की करंट पोजीशन जो होती है उसका एड्रेस इस फाइल पॉइंटर में सेव होता है। तो यही हमें मदद करता है सारी रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन करने के लिए। अभी जब भी आप रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो ये फाइल पॉइंटर जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पोजीशन पे मूव होता है। हमें उसको नेक्स्ट पोजीशन पे लेने के लिए कोई एक्स्ट्रा टास्क नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी राइटिंग। राइटिंग हम फाइल पे कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि राइटिंग करते टाइम हमें क्या करना है। यहाँ पे मान लो कि आपके पास तीन वेरिएबल्स है। पहला वेरिएबल है x जिसमें वैल्यू है 10, दूसरा वेरिएबल है y जिसमें वैल्यू है 25, और थर्ड वेरिएबल है z उसमें वैल्यू है 40। अभी ये डेटा हमें राइट करना है, ये इन्फॉर्मेशन हमें फाइल में राइट करनी है। तो उसके लिए मान लो कि ये हमारे पास फाइल है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल x राइट कर लेंगे, मतलब कि उसके कंटेंट हम वेरिएबल में से कॉपी करके फाइल पे पेस्ट कर लेंगे। अभी y के कंटेंट मैंने कॉपी कर लिया, नेक्स्ट पोजीशन पे ये कॉपी कर लिया। अभी नेक्स्ट पोजीशन हम कैसे जाएंगे, तो जो फाइल पॉइंटर है वो हमें मदद करेगा नेक्स्ट पोजीशन पे जाने के लिए। अभी हमें थर्ड वेरिएबल का कंटेंट कॉपी करना है, तो वो भी फाइल पॉइंटर की मदद से मैंने थर्ड पोजीशन पे कॉपी कर लिया। तो ये हो गया डेटा, कॉपी हो गया हमारा, बहुत ये जो तीन वेरिएबल थे वहां से
फाइल में हमारा डेटा कॉपी हो गया, मतलब कि हमने ये राइट कर लिया। और अभी इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमें कैसे करना है। ये तो थ्योरेटिकली पता चल गया कि ये कैसे राइट होता है, अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें ये राइट कैसे करना है। जब भी हमें ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए हम इंसर्शन ऑपरेशन ऑपरेटर यूज करते हैं। अब तक आप लोगों को पता होगा कि ये इंसर्शन ऑपरेटर कैसे यूज होता है, क्योंकि आपने अब तक बहुत सारे C++ प्रोग्राम किए होंगे जिसपे आपने सी आउट स्टेटमेंट यूज किया होगा। तो सी आउट के साथ ये इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं। जहां तक कि सी आउट का सवाल है, वो आउटपुट राइट करता है ऑन द स्क्रीन, पर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अभी फाइल पे राइट करनी है। तो फाइल पे राइट करने के लिए यही ऑपरेटर हम यूज करेंगे। सिर्फ डिफरेंस उतना है कि सी आउट की जगह पे हम ओएफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जो कि हमारा होगा फाइल पॉइंटर। अभी मैंने ओएफ स्ट्रीम क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो हमारा फाइल है जिसपे हम राइट कर रहे हैं, वो ओएफ स्ट्रीम के साथ और उसके ऑब्जेक्ट के साथ हम ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हम राइट कर रहे हैं जो कि आउटपुट है। इसलिए हमारा आउटपुट फाइल आउट फाइल स्ट्रीम हमें यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ एफ स्ट्रीम जो कि दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है, राइटिंग भी और रीडिंग भी, इसलिए एफ स्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट अगर होता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे यहाँ पे इतना ही बताना है कि सी आउट की जगह पे मैं फाइल पॉइंटर यूज करूंगी, जो कि ऑब्जेक्ट होगा ओएफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम का। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये हमें कैसे परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने आउट फाइल नाम का एक फाइल पॉइंटर और द ऑब्जेक्ट बना लिया है ओएफ स्ट्रीम का, क्योंकि प्योरली मैं यहाँ पे राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली हूँ। उसके बाद मैं फाइल ओपन कर रही हूँ, जिसमें से मेरा फर्स्ट पैरामीटर है फाइल नेम, सेकेंड पैरामीटर है ओपनिंग मोड्स क्या होते हैं, उसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर में उसका भी शॉर्टकट लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप पहले वो देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे आउट इसका मतलब है कि मैं फाइल क्रिएट कर रही हूँ, नई फाइल जिसका नाम है afile.dat। अभी मुझे कुछ डेटा एक्सेप्ट करना है यूजर से जो कि मुझे फाइल पे राइट करना है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि एंटर योर नेम और वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे फ्रॉम द यूजर। तो डेटा वेरिएबल में जो कुछ यूजर एंटर कर रहा है उसका नेम वो स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल जिसमें हमने डेटा कलेक्ट करके रखा है जो कि हमें फाइल पे राइट करना है। तो ये जो इनपुट किया हुआ डेटा है वो हम फाइल पे राइट करेंगे किसकी मदद से, फाइल पॉइंटर की मदद से। तो ये हमारा हो गया फाइल पॉइंटर, ये हो गया इंसर्शन ऑपरेटर जिसके साथ हम ये जो डेटा जिसमें वो सब इन्फॉर्मेशन स्टोर है जो कि हमें फाइल पे लिखनी है वो हम आउट कर लेंगे, इसका मतलब राइट कर लेंगे। उसके बाद अभी फाइल पॉइंटर ने नेक्स्ट पोजीशन सिक्योर कर ली है ये राइट करने के बाद। अभी मैं आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन राइट करने वाली हूँ, वो जो है एज। तो यूजर एज पे एंटर करेगा जो कि मैंने फिर से डेटा वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लिया है, सेव कर लिया है। और यहाँ से उसी फाइल पॉइंटर की मदद से मैं वो डेट वो एज यहाँ पे राइट कर रही हूँ और आउट कर रही हूँ। अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आउट फाइल ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल आउट के लिए मतलब राइटिंग पर्पज के लिए मैंने क्रिएट किया हुआ है। वो किस फाइल के साथ एसोसिएटेड है, वो है afile.dat के साथ। सो जहां तक कि आउट फाइल का सवाल है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा afile.dat पे। तो ये सबसे पहला डेटा राइट हो गया afile.dat में और हमारा फाइल पॉइंटर एडवांस पोजीशन पे सेट है और वेट कर रहा है कि उसे आगे क्या करना है। फिर से ये आउट फाइल मैंने यहाँ पे आउट फाइल की मदद से अगला वाला डेटा राइट कर लिया। फिर से जो डेटा अभी एक्सेप्ट किया था मतलब कि एज यूजर ने एंटर किया हुआ वो वहां पे राइट हो गया और फाइल पॉइंटर एंड पे जाके सेट हो गया। उसके बाद मेरा फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मुझे फाइल क्लोज करनी है। तो यहाँ पे मैं फिर से फाइल क्लोज कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया है और काम होने के बाद
मुझे फाइल क्लोज करनी है क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ये मेमोरी रिलीज करता है। तो ये हो गया मेरा फाइल क्लोज, और ये हो गया कि हमें फाइल पे डेटा राइट कैसे करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि फाइल पे डेटा कैसे राइट करना है। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है। अगर हम फाइल पे डेटा राइट करना भी सीख गए हैं तो उसके एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि हम कौन कौन से एप्लीकेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब तक कि रिकॉर्ड्स का सवाल है, फाइल में जो कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं उनका सवाल है, और उसमें हमें कुछ फील्ड्स अपडेट करने हैं, तो उसके लिए हम राइट फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्योंकि अपडेट के लिए सबसे पहले हमें वो डेटा राइट करना होगा, जो कुछ फील्ड हमें अपडेट करना है वो राइट करना होगा, इसलिए अपडेशन के लिए हम राइट फंक्शन यूज करते हैं। अभी अपडेशन के लिए हमें सबसे पहले रिकॉर्ड सर्च करना होगा कि जो कि हमें अपडेट करना है। तो सर्चिंग के लिए हमें रीड फाइल की जरूरत होती है, और अपडेट करने के लिए पर्टिकुलर फील्ड अपडेट करने के लिए हमें राइट की जरूरत होती है। अभी डिलीशन, द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डिलीशन। डिलीशन में भी जो डेटा हमें डिलीट करना है वो सबसे पहले सर्च करना है, सर्चिंग मतलब रीड करना है, और हमें वो डेटा और जो रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है वो मिलने के बाद वो रिकॉर्ड स्किप करके बाकी सारे रिकॉर्ड्स हमें एक नई फाइल में राइट करने हैं। इसीलिए डिलीशन के टाइम भी हमें राइट फंक्शन की जरूरत होती है। तो ये हो गए इसके एप्लीकेशंस की। अपडेशन में भी हम राइट यूज करते हैं, डिलीशन में भी हम राइट यूज करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मैं जो कुछ चीजें आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है। आप कमेंट देना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं यहाँ पे आपके सब्सक्रिप्शन लिंक दे रही हूँ, उसके साथ साथ इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो का शॉर्टकट लिंक मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और यहाँ पे इसी सीरीज का प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे ट्यून विथ टेक टॉक्स। थैंक यू।